हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स, यानी पादप हार्मोन्स। जैसे कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, वैसे ही पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं जो उनके सभी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, समन्वय करते हैं, नियंत्रण का काम करते हैं। हमारे बॉडी में अगर हार्मोन्स रहता है तो वो भी नियंत्रण का, समन्वयन का काम करता है। वैसे ही पेड़ पौधों जो कि जीवित होते हैं उसमें भी समन्वय का व नियंत्रण का कार्य कौन करता है, वो हार्मोन्स करते हैं। उसको क्या बोला जाता है, तो पादप हार्मोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, तो पादप हार्मोन्स बोला जाता है। इसको एक बार हम लिख लेते हैं, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स। और इसी को कहा जाता है फोटो हार्मोन। क्या कहा जाता है, फोटो हार्मोन्स। फोटो हार्मोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना ये भोजन का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि भोजन का निर्माण, तो भोजन का निर्माण ये करते हैं और उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी जिस प्रक्रिया के तहत, जिस प्रोसेस के तहत ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो उसी के चलते इसका नाम रखा गया है क्या, फोटो हार्मोन। तो हम पढ़ने वाले हैं फोटो हार्मोन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो फोटो हार्मोन होता है या पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स होता है, जो प्लांट हार्मोन को हम पीएच ऐसे करके ले रहे हैं, ये पीएच मान वाला नहीं है, ये प्लांट हार्मोन्स का है। इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं गाइस, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, जिसको हम वृद्धि प्रवर्धक को पॉजिटिव से लिख रहे हैं, और एक होता है वृद्धि रोधी, इसको हम निगेटिव से लिख रहे हैं। तो गाइस, जो वृद्धि प्रवर्धक होता है ये पेड़ पौधों की जो लंबाई होती है, फूल से रिलेटेड जो भी विशेषताएँ होती हैं, पत्तियों से रिलेटेड जो भी विशेषताएं होती हैं, हर एक चीज़ को ये वृद्धि करता है, यानी वृद्धि में सहायक होता है। अब किसी चीज़ का अगर वृद्धि होगा, लगातार बढ़ते ही जाएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अनावश्यक जो वृद्धि हो जाती है उसको रोकने के लिए है वृद्धि रोधी, यानी दोनों जो हैं ये बैलेंस का काम करते हैं। जहाँ तक उसको वृद्धि की ज़रूरत होती है तो ये जो पॉजिटिव वाला या वृद्धि प्रवर्धक होता है ये हार्मोन काम करता है, और जहाँ पर उसको रोकने का काम होता है वहाँ वृद्धि रोधी आती है, ये काम करती है। इसको कहा जाता है वृद्धि रोधी और इसको कहा जाता है वृद्धि प्रवर्धक। तो वृद्धि प्रवर्धक में हमें 5 हार्मोन पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 5। और जो वृद्धि रोधी है इसमें भी 2 पढ़ने हैं। 2 इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें है एब्सेसिक एसिड बोला जाता है। एब्सेसिक एसिड को ABA से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ABA से। किससे लिखा जाता है, ABA से, यानी एब्सेसिक हार्मोन। और उसके अलावा होता है एथिलीन। तो गाइस, जो इसमें होता है एब्सेसिक एसिड होता है और उसके अलावा एथिलीन होता है। एथिलीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H4। क्या होता है, C2H4 होता है। और फिर गाइस, जो इसमें 5 है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ऑक्सिन्स होता है, ऑक्सिन्स, और उसके अलावा होता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स को हम जी से लिख रहे हैं। और उसके अलावा होता है साइटोकाइनिन, हम सी से लिख रहे हैं, AGC। तो एक पहला हो गया ऑक्सिन, दूसरा हो गया जिब्रेलिन, और तीसरा हो गया साइटोकाइनिन। उसके अलावा 2 और होते हैं जिसको कहा जाता है ट्राउमैटिन। क्या कहा जाता है, ट्राउमैटिन एक है, और एक है फ्लोरीजेन। कौन सा है, फ्लोरीजेन। तो इसको हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, AGCTF, AGCTF किस याद रख सकते हैं, AGCTF से। ए हो गया, ये जी हो गया, ये सी हो गया, ये टी हो गया, ये एफ हो गया। यानी जो वृद्धि प्रवर्धक है उसमें 5 हार्मोन हमें पढ़ने हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, और फिर उसके बाद चौथा ट्राउमैटिन, और 5वां जो है फ्लोरीजेन हो गया। अब सबसे पहले हम फ्लोरीजेन और ट्राउमैटिन को पढ़कर निपटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा नया लग रहा है। उसके बाद हम AGC और जो इसमें है एथिलीन और ABA यानी एब्सेसिक एसिड, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ट्राउमैटिन होता है ये क्या होता है। तो जैसे कि अगर हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाता है, तो चोट जो लग जाता है तो उससे घाव हो जाता है। तो घाव को भरने का काम कौन करता है, तो विटामिन सी काम करता है। विटामिन सी यानी हमारे शरीर में का जो टूट फूट होता है, या अगर कोई चोट लग जाती है तो जो घाव होता है, घाव को भरने का काम विटामिन सी करती है, एस्कार्बिक एसिड करती है। उसी तरीके से पेड़ पौधों में अगर घाव हो जाता है तो उसको घाव ठीक करने का काम कौन करता है, ट्राउमैटिन करता है। कौन करता है,
ट्राउमैटिन करता है। अब फिर उसके बाद है फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन जो होता है ये आप इस नाम से ही पता चल रहा है फ्लावर से रिलेटेड होगा कुछ, फ्लोरीजेन यानी फ्लावर से रिलेटेड होगा। ये फूल खिलाने का काम करती है, जो फूल खिलता है फूल जो ग्लो करता है तो किस कारण से कर पाता है, क्योंकि उसमें फ्लोरीजेन हार्मोन्स होते हैं इस कारण से। तो ये फ्लोरीजेन जो होते हैं फूल से आप याद रख सकते हैं कि फूल को फूल खिलने का खिलाने का काम करता है, और जो ये है ट्राउमैटिन जो होता है घाव को सही करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी। तो गाइस अब देख लेते हैं ये ए जी टी एफ में टी एफ हो गया कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं ए जी सी को। ए से क्या हो जाता है, ए से होता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो होता है ये वृद्धि प्रवर्धक होता है यानी पॉजिटिव में आता है। और ये जो होता है एब्सेसिक में हम इसके लक्षण देख लेते हैं कि जो ये होता है ये पौधों की वृद्धि को ऊपर ले जाने में और यानी ऊपर ले जाने का ये काम करता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो ये बीज है, बीज जो ऊपर जाता है यानी इसकी जो वृद्धि होती है इसका ग्रोथ जो होता है वो किसके कारण होता है, ऑक्सिन्स के कारण होता है। तो पौधों की वृद्धि को ऊपर की ओर ले जाने का काम कौन करता है, तो ऑक्सिन्स करता है। कौन करता है, ऑक्सिन्स करता है। इसके अलावा प्रकाशानुवर्तन, जैसे आप देखते होंगे आप अगर बचपन में या कभी भी इस तरीके से करे हों कि ये एक डब्बा है इसमें आप पौधे को रख दिए हैं, उसमें आप छेद यहाँ कर दिए हैं और पौधा यहाँ है, होल यहाँ है और पौधा यहाँ है, होल से ही रोशनी जा पा रहा है तो जो पौधा है इस होल की तरफ आने लगेगा क्योंकि इसको यहाँ से प्रकाश मिल रहा है। तो जो ये पौधा है इसकी तरफ जो झुकने लगता है तो इसको कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन, यानी जो पौधा होता है जहाँ से प्रकाश मिलता है उस तरफ से उसका उसी तरफ उसका झुकाव होता है, और अगर ऊपर से आता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये प्रकाशानुवर्तन हो गया यानी प्रकाश की ओर बढ़ने की क्रिया। और उसके अलावा गुरुत्वानुकर्षण का काम यही करता है, यानी जो पौधा होता है ये ऊपर जाता है और कुछ भाग इसका जो नीचे रहता है जड़ का काम जो करता है, जो जड़ होता है वो नीचे जाता है यानी गुरुत्वानुकर्षण। गुरुत्वानुकर्षण यानी कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकी जाती है तो वो जब नीचे गिरती है तो उसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, यानी जिस बल से वो गिरती है उसी को कहा जाता है। तो गाइज जो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुकर्षण यानी अगर कोई वस्तु जो है या कोई वस्तु को बोल रहे हैं सॉरी गाइस, तो बीज अगर बीज जो है पौधा जो है ये जो ऊपर जाता है इसको बोला जाता है प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की तरफ जाना, और जो गुरुत्वानुकर्षण होता है जो जड़ होता है जो नीचे की तरफ जाता है उसको बोला जाता है गुरुत्वानुकर्षण। तो प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुकर्षण और इसके अलावा पौधों की वृद्धि को ऊपर की ओर ले जाने का काम, यानी यही वाला जो प्रकाशानुवर्तन है और ये बस दो चीज़ आप याद कर लीजिए। इसका जो कार्य करता है कौन करता है, ऑक्सिन्स करता है। कौन करता है, ऑक्सिन्स करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे जो ये होता है ये पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियों को जो गिरने से रोकता है, ये क्या करता है पत्तियों को गिरने से रोकता है और फसलों को गिरने से बचाता है, यानी पत्तियों को गिरने से बचाता है और फसलों को गिरने से बचाता है। ये दो कार्य इसके और हो गए। इसके अलावा भी इसके एक कार्य हैं कि यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, यानी खरपतवार को नष्ट करने का काम कौन करता है, ऑक्सिन्स हार्मोन करता है। कौन करता है, ऑक्सिन्स हार्मोन। तो आपको पाँच चीज़ें याद रखनी हैं, इसमें ज़्यादा ज़रूरी यही है। पहला है प्रकाशानुवर्तन का जो ऊपर की ओर जाता है और नीचे की तरफ जो जाता है यह होता है गुरुत्वानुकर्षण। उसके अलावा पत्तियों को गिरने से रोकता है और फसलों को गिरने से बचाता है और खरपतवार को नष्ट करने से रोकता है। ये हो गया ऑक्सिन्स का। अब इसके बाद आता है ए जी सी। अब जी से जो होगा हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। तो पेड़ पौधों में अंकुरण यानी जर्मिनेशन का काम कौन करता है, तो जिब्रेलिन्स करता है। जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन होता है अंकुरण। तो जी से जर्मिनेशन और जी से जिब्रेलिन। तो ये आप ट्रिक से इस याद कर लीजिए, जी से होता है जिब्रेलिन और जी से होता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन यानी अंकुरण का काम कौन करता है, तो जिब्रेलिन्स करता है। कौन करता है, जिब्रेलिन्स करता है। और ये वृद्धि को नियंत्रण करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। और यह एक मुख्य हार्मोन है क्योंकि यह अंकुरण का काम करता है, तो यह इसको इसीलिए इसको मुख्य हार्मोन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप ये याद कर लीजिए।
तो आपको ए के बारे में पता चल गया, जी के बारे में यानी ऑक्सिन जिब्रेलिन। अब हम देखते हैं सी यानी साइटोकाइनिन की साइटोकाइनिन क्या करता है। तो जो साइटोकाइनिन होता है, आप सेंट्रोसोम पढ़े होंगे, तो सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन। तो साइटोसोम सेंट्रोसोम उसी से मिलता जुलता है साइटोकाइनिन। तो जो ये हार्मोन है ये कोशिका विभाजन का काम करता है, यानी सेल डिवीजन का काम करता है। किसका काम करता है? सेल डिवीजन का काम करता है। यानी एक सेल है तो इसको दो सेल में अगर बदलता है तो कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। अब ये हो गया आपका वृद्धि प्रवर्धक। अब हम देखेंगे वृद्धिरोधी यानी जो रोकता है। अब इसमें दो था, एक था ए बी ए, इसको कहा जाता है एब्सेसिक हार्मोन, एब्सेसिक एसिड बोला जाता है। और उसके अलावा दूसरा जो है वो है एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला जो होता है C2H4 होता है, C2H4। तो ए बी ए जो होता है ये वृद्धि अंकुरण और कोशिका विभाजन, वृद्धि अंकुरण और कोशिका विभाजन को क्या करता है? ये रोकता है, ये रोकने का काम ही करता है ये दोनों हार्मोन। तो ये जो होता है विशेष रूप से यही रोकता है, ये तो उसको पकाने का काम करता है। तो अगर रोकने की बात की जाए कि वृद्धि को, अंकुरण को, कोशिका विभाजन को यानी ग्रोथ को, जर्मिनेशन को और सेल डिवीजन को रोकने का काम कौन करता है? तो ए बी ए करता है। कौन करता है? ए बी ए करता है। उसके अलावा जो C2H4 होता है जिसको एथिलीन कहा जाता है, ये एक गैसीय रूप में रहता है यानी गैस के फॉर्म में रहता है। और ये फलों को प्राकृतिक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से नेचुरली उसको पकाने का काम करता है। जैसे कोई भी फल है तो जो अपने आप से पेड़ पर ही पकता है, नेचुरली पकता है, तो वो C2H4 के कारण पकता है। जैसे कि अगर आप आम खाए होंगे तो आप आम में जो चोपी होती है वो एथिलीन रहता है। क्या होता है? एथिलीन रहता है। उसी की वजह से फल जो हैं पकते हैं। और अगर बात की जाए कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल जो सब लोग करके मतलब आर्टिफिशियल जो रूप से पका करके जो खाते हैं या बेचते हैं, तो वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो वो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? C2H2 एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। जबकि एथिलीन का फॉर्मूला क्या था? C2H4 था। और ये क्या है? C2H2 है। तो एसिटिलीन जो है ये कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। ये कहाँ से आया? तो CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड का अगर इसमें जल से का छिड़काव किया जाता है तो गैस निकलती है। कौन सी? C2H2, ये गैस निकलती है। इसी से बाकी जो फल होते हैं वो पकाए जाते हैं। और CaO, तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे UPTET में एक बार ये भी पूछा गया था कि फल को पकाने में कौन सा तत्व, कौन सी गैस उपयोगी होती है, तो उसमें एथिलीन एसिटिलीन ऑप्शन में ही नहीं था, CaC2 था। तो CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड जो था ये भी फल को पकाने में आवश्यक होता है। इस थोड़ा सा जल से जब छिड़काव किया जाता है तो गैस निकलती है C2H2 और ये बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये जो है फल पकता है कृत्रिम रूप से। तो जो नेचुरली पकता है वो C2H4 के कारण पकता है, एथिलीन के कारण। और जो ये होता है ये एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, इससे कृत्रिम रूप से कोई भी फल पकता है। तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को प्लांट हार्मोन्स यानी कि फोटो हार्मोन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो बाकी भी अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी अगर वो UPTET की तैयारी कर रहे हों या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।